गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अंशु यहाँ पे खा रही है, क्या खा रही? पेड़ा। पेड़ा खा रही है, अभी ये सो के उठी है। और अभी आज का जो ब्लॉग है वो इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? नया वाला छत। तो हम लोगों का जो है बड़ा छत्ता, न्यू छत बन गया है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं नया वाला छत, बहुत सुंदर है ना। हम लोग अभी चढ़ेंगे तो थोड़ा पेड़ा। चलो उठो, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम लोगों का नया छत। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जब तक पहुंचे वो भी सबसे पहले। इधर दिखा देते हैं हम लोग को, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माय न्यू सेटअप। इधर बालकनी भी मस्त बन गया। सुंदर लग रहा है ना, तुम उधर घूम के दिखा। ये आओ। वाओ, देखिए इधर छत। चलिए ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आप लोगों को। चलो ऊपर चढ़ेंगे, अभी इधर सीढ़ी लगाए नहीं है, अभी ये टेम्प्ररी। नहीं, तुमको कैसे चढ़ाएंगे, डर लग रहा है। मम्मी को बुला। सो गाइस, ये रहा फाइनली मेरा सेटअप का छत, रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे हमेशा से दो तल्ला छत बहुत ज़्यादा पसंद था, पर हम लोगों का एक छत घर था, तो फाइनली वो ड्रीम भी पूरा हो गया है। और देखिए हमसे यहाँ पे फेंक फेंक कर रही है। तो यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी आए हम रील्स बनाने के लिए। हम और अंशु रील्स बनाए ना बेटे। ये रहा हम लोगों का छत, नया छत। बोल दो सुंदर है ना। ये अंशु ना आज रो रही थी, क्यों रो रही थी? इसकी फुआ के शादी में इसका फोटो नहीं है, इसलिए रो रही थी। इसलिए बोले चलो छत तुम्हारा फोटो खींच लेते ना। चलो देखिए सनसेट का व्यू और इधर का व्यू। कलर हो जाएगा फिर सुंदर लगेगा। वो रहा पायलो का घर, ग्रीन वाला। इधर मेन रोड, हम लोगों का गाड़ी। हम उतरने में बहुत ज्यादा, चढ़ना उतरना बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो आप लोगों ने देखा मेरा छत, प्यारा सा छत। हम और अंशु वहाँ पे जाके जो है मस्ती करते रहते हैं। और अभी कोविड के कारण काम रुक गया है कलर का, नहीं तो अभी जो है आधा कलर हो जाता, पुट्टी भी हो जाता, पर कोई बात नहीं। अभी कोविड का जो मतलब माहौल चल रहा है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है, इसलिए घर पे रहिए और सेफ रहिए, बिना मास्क का बाहर मत जाइए। और मैं जो है आपको आज एक स्पेशल काढ़ा बनाने सिखाऊंगी, जो कि अभी कोरोना के टाइम जो है बहुत ही फायदेमंद है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि अभी लगभग जो है हर किसी का फीवर कफ ये सब हो ही रहा है, और नॉर्मल मेडिसिन से ठीक भी नहीं हो रहा है, और लगातार जो है बहुत दिनों तक फीवर वगैरह रह जा रहा है। लेकिन मैं जो काढ़ा बताऊँगी मुझे अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो रेगुलर पीती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वो काढ़ा शेयर करूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। और हाँ, नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही स्पेशल रहेगा, एक छोटा सा गिव अवे रहेगा। तो आप लोग जो है स्पेशली गर्ल्स लोग ज़रूर देखिएगा, वो क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर बॉयज़ लोग भी देख सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड लोग को गिफ्ट देने के लिए। तो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी, वो जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही देखने को मिलेगा। इसलिए मेक श्योर कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो फिलहाल चलिए मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाती हूँ। देखिए कितना सारा सनफ्लावर है। इधर कोको जाने के लिए रेडी, इधर चलो। कोको का फेवरेट प्लेस। देखिए इधर जो है गेंदा लगा दिए हैं, वो पहले वाला सारा मर गया। आज बहुत बड़ा सा खीरा निकला था। कोई
अच्छा इधर भी है, देखिए एक तो बड़ा सा निकला भी था करेला, करेला उधर है देखिए, दिख रहा होगा। काका अड्डुल्लू। तो इवनिंग के टाइम ऐसे अपने गार्डन में घूमने में जो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश एयर मिलता है एकदम। इधर क्या क्या नेनुआ है, बेल पत्ता में नया नया पत्ता भी आ गया और पूरा साग है, साग किसी को चाहिए? इधर दीदी बैठी हुई है। बहुत अभी 5:30 बज चुका है लेकिन धूप इतना तेज है ना कि क्या ही बोले, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है पर फिर भी एसी नहीं चलाते हैं क्योंकि कोविड के टाइम अभी जो है नहीं चलाना। देखिए यहाँ पे नेनुआ भी है, नेनुआ ही को एक नगे झींगा बहुत सारा है, मतलब बहुत सारा है, अभी तक नहीं तो 25 किलो तो निकल ही गया होगा, इतना ज़्यादा फल था। और सब बेच देते हैं हम लोग, उतना क्या करेंगे, खाएंगे खाते हैं अब कितना खाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको जो है काढ़ा बनाना सिखाती हूँ। काढ़ा बनाने के लिए हमें इन सारे चीज़ों का जो है ज़रूरत पड़ने वाला है, और ये लगभग जो है सारे चीज़ आपको घर में ही मिल जाएगा, जैसे कि ये लौंग हो गया, ये आपको घर में ही मिल जाएगा, दालचीनी है, नमक है, हल्दी है, अदरक, और ये गिलोय, गिलोय जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, तुलसी का पत्ता, गुड़, गुड़ थोड़ा सा क्योंकि ऐसे फीका फीका पीने में फिर टेस्ट नहीं आएगा, तो हल्का सा बस गुड़। और ये रहा गोलकी, गोलकी के जो है मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। अब इन सब को मिला के जो है एक काढ़ा रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और इन सभी मसालों को इसमें जो है ऐड कर देंगे और इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक उबाल लेंगे अच्छे से। इसको पीने से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है और रोग से लड़ने का क्षमता जो है वो बढ़ जाता है। और इस काढ़े को लगभग 3 बार पीना है, सुबह शाम दोपहर में, तो 3 टाइम पीजिएगा। तो ये रहा हम लोगों का काढ़ा बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस फाइनली मेरा काढ़ा बन के रेडी हो चुका है और ये जो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और इसका यही रीज़न है कि अभी जो है मुझे अभी तक फीवर नहीं हुआ है क्योंकि मैं ये कंटिन्यू पीती हूँ, लास्ट ईयर भी पीते थे। तो इसको पीजिए, अगर आपको फीवर है तो भी पीजिए और नहीं है तो भी पीजिए, मतलब घर में हर कोई इसको ट्राई कीजिए। और जैसे कि अभी मेडिसिन वगैरह कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मैं भी देख रही हूँ लोगों का, तो ऐसे मैं हर किसी को तो जाके नहीं बता सकती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो में बना देती हूँ ताकि जो है आप लोगों को
उससे बेनिफिट हो जाए, तो ये काढ़ा जरूर बना के पीजिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का मतलब कैसा फ़ायदा हुआ कैसा नहीं। और बस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, अब जो है मेरा वीडियो कंटिन्यू आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड स्टे होम स्टे सेफ।